दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक श्राप के कारण अस्तित्व में आया है। यह है विश्व के सृजनहार ब्रह्मा जी का मंदिर, जो राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थ पुष्कर में स्थित है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि पूरे भारत में ब्रह्मा जी का यह एकमात्र मंदिर है, जबकि अन्य हिंदू देवी देवताओं के सैकड़ों मंदिर भारत में विभिन्न स्थानों में स्थित है। आखिर ऐसा क्यों है? अन्य देवी देवताओं की तरह ब्रह्मा जी के सैकड़ों मंदिर क्यों नहीं बनाए गए, और वह कौन सा श्राप था जिसके कारण मंदिर का निर्माण हुआ? इन प्रश्नों का उत्तर कई वर्षों पूर्व घटी एक घटना से जुड़ा हुआ है, जिसका वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथ में मिलता है। उस समय पृथ्वी पर बज्रनाश नामक एक राक्षस ने अपने अत्याचारों से सबको तंग किया हुआ था। उसके बढ़ते अत्याचारों को समाप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने उसका वध कर दिया। जब ब्रह्मा जी ने उसका वध किया, तब कमल के तीन पुष्प पुष्कर के तीन विभिन्न स्थानों पर गिरे और इन स्थानों पर झीलें बन गई। ये स्थान व्यष्ठा, मध्य और कनिष्ठ पुष्कर कहलाते हैं। वज्रनाश का वध करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने पुष्कर में एक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उनकी पत्नी का बैठना अवश्य था। सभी देवी देवता यज्ञ स्थल पर पहुंच गए, किंतु ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री नहीं पहुंची। बहुत देर तक उनकी प्रतीक्षा की गई, किंतु वह नहीं पहुंची। शुभ मुहूर्त निकलता देख ब्रह्मा जी ने एक गुज्जर कन्या गायत्री से विवाह कर लिया और वह उनके साथ यज्ञ में बैठी। इस बीच सावित्री यज्ञ स्थल पर पहुंच गई। वहां गायत्री को यज्ञ में ब्रह्मा जी के साथ बैठा देख वह क्रोधित हो गई। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की सहायता की थी, इसलिए सावित्री के क्रोध से वो भी नहीं बच पाए। उन्हें पत्नी विरह का कष्ट भोगने का श्राप मिला, इसलिए भगवान विष्णु के अवतार श्री राम को 14 वर्ष के वनवास के दौरान पत्नी सीता से अलग रहना पड़ा। क्रोध के आवेश में सावित्री ने नारद जी को आजीवन कुंवारा रहने का श्राप दिया। ब्रह्मा जी और गायत्री का विवाह करवाने वाले ब्राह्मण और यज्ञ में लाई गई गायों को भी सावित्री के क्रोध का भागी बनना पड़ा। ब्राह्मण को श्राप मिला कि उसे चाहे कितना भी दान मिल जाए, वह कभी संतुष्ट नहीं होगा। जब सावित्री का क्रोध शांत हुआ तो सभी देवता उनसे क्षमा याचना करने लगे और उनसे श्राप वापस लेने का निवेदन करने लगे, किंतु सावित्री नहीं मानी। ब्रह्मा जी का श्राप कम करते हुए वह बस इतना बोले कि इस पृथ्वी पर मात्र पुष्कर ही एक ऐसा स्थान होगा जहां आपकी पूजा होगी। इसके बाद वह पुष्कर की रत्नागिरी नामक पहाड़ी की चोटी पर जाकर तपस्या में लीन हो गई। आज इसी स्थान पर सावित्री देवी मंदिर है।